हाय, मेरा नाम सनी है, सनी भानुशाली, फाउंडर ऑफ एलियंस टैटू एंड लर्न इट लाइक एलियंस एंड एलियंस टैटू स्कूल। मेरा, जैसे कि आप जानते हो, मेरा एक वर्कशॉप आ रहा है कलर रियलिज्म पे, जो 12th और 13th जनवरी को है। तो आज सुबह मुझे किसी ने सवाल किया कि एलियंस टैटू जो है उसका स्ट्रेंथ है क्वालिटी ऑफ वर्क। जिस तरीके से हम लोग टाटू डिज़ाइंस बनाते हैं और जिस तरीके से टाटू का काम बाहर जाता है वो हमारा स्ट्रेंथ है बिजनेस का। एलियंस टाटू उसके लिए जाना जाता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो स्किल्स है और ये जो टेक्निक्स और जो स्टाइल और जो भी हम करते हैं वो मैं लोगों में क्यों बांटना, मतलब उसने मुझे पूछा कि मैं क्यों बांटना चाहता हूँ। अगर मैं ये शेयर करने लग जाऊँ सारा नॉलेज तो क्या ये कंपटीशन क्रिएट नहीं करेगा, क्या ये मेरे बिजनेस को हैम्पर नहीं करेगा, ये किसी का सवाल था। इसके पहले भी मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है ये सवाल, पर इस बार मैंने सोचा चलो इस बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मेरा पर्सनली ये विजन है कि इंडियन टैटू आर्टिस्ट्स को वर्ल्ड मैप पे डालना है, एक या दो नाम नहीं, हजारों में। मैं पर्सनली मानता हूँ, जहाँ तक मेरा स्टडी है, जहाँ तक मैं पढ़ता लिखता हूँ, कि इंडिया ऐसे भी आर्ट के लिए जाना जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो बड़े से बड़े आर्टिस्ट्स अपने इंडियन रहे हैं। अपना देश बेसिकली आर्टिस्टों से भरा हुआ है। इंडियन आर्टिस्ट में ज़बरदस्त टैलेंट है, ये मैं मानता हूँ। और काफ़ी सारे स्ट्रीम में बहुत सारे अपने लोग आगे हैं, पर जब टैटू आर्ट का बात आता है ना, ग्लोबल स्केल, ग्लोबल लेवल पे आप देखो, इंडियन आर्टिस्ट को इतना रिकग्निशन नहीं है। हार्डली दो चार नाम छोड़ के इंडियन आर्टिस्ट को इतना रिकग्निशन नहीं है। प्लस वो ग्लोबल लेवल पे आप देखो, सो टैटूइंग या टैटू करने के लिए क्लाइंट लोग का मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री इंडिया नहीं है। वाइल वी हैव अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन आर आर्टिस्ट्स, द ओनली रीज़न इन जैसे अपना इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोजर मिल रहा है टैटू आर्टिस्ट को, वो उनको वीक बना रहा है, मतलब उनको बूस्ट नहीं मिल रहा है। या वो बोलते हैं ना, स्टेप होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं। और मैं काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम देख रहा हूँ। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन, मतलब मैं चीज़ें सोचता हूँ बट इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। और फिर वो मैंने स्टार्ट किया था एक छोटा इनिशिएटिव की जो भी मैं सीखता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि मेरे काम में जो भी बेस्ट चीज़ है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, क्यों ना मैं ये शेयर कर लूँ। सो इंस्टेड ऑफ ये जो मेरा विजन है वो धीरे धीरे एलियंस का विजन बन गया, एलियंस टैटू स्कूल का विजन बन गया कि आर्टिस्ट को इतना टूल्स दो, इतना नॉलेज बांटो कि ये धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे फैल जाएंगे अपने आर्टिस्ट। और जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आर्टिस्ट्स ऊपर आएंगे, जितने ज़्यादा आर्टिस्ट ऊपर आएंगे उतना अपने इंडस्ट्री का आर्ट क्वालिटी बढ़ेगा, तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जितना अपना स्टैंडर्ड बढ़ेगा उतना अपने को ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा। जितना ज़्यादा लोग रिकग्नाइज करेंगे उतना ज़्यादा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होएगा अपने लिए। एंड आर आर्टिस्ट विल ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड प्राउडली एज टैटू आर्टिस्ट्स। मतलब अपना डिमांड होना चाहिए वर्ल्ड में, इंटरनेशनल क्लाइंट्स रुकने चाहिए इंडियन टैटू आर्टिस्ट के लिए कि ये जब आएगा तब मेरे यहाँ टैटू होगा, या वो लोग यहाँ ट्रैवल करने चाहिए, हज़ारों लोग यहाँ आने चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट इंडिया में बैठा है इससे ही मुझे टैटू करना है। वर्ल्ड के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वहाँ दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास सिर्फ टैटू करने। वैसे इंडियन आर्टिस्ट का नाम होना है, सिर्फ एक या दो नाम नहीं, मैं बोल रहा हूँ हंड्रेड्स ऑफ नाम होने चाहिए। अपना अपना स्टाइल, अपने अपने तरीके का काम, मतलब अपना कंट्री मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री होना चाहिए टैटूइंग के लिए, क्योंकि अपने में वो बात है, अपने आर्टिस्टों में बात है, मेहनती लोग हैं, फोकस्ड लोग हैं। सिर्फ डायरेक्शन का ज़रूरत है, सिर्फ और पुश का ज़रूरत है। और ये डायरेक्शन में मैंने सिर्फ एक स्टेप लिया है कि मे बी वर्कशॉप काम करे इसमें। तो मैंने जैसे ही पहला वर्कशॉप चालू किया था तभी काफ़ी सेटबैक आया था, काफ़ी लोगों ने इसको हेट किया था, काफ़ी लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे इसका मजाक उड़ाया, लोगों ने बहुत सारी आड़ी तिड़ी चीज़ें बोल गए, ट्राई किया कि ये फिर से ना हो, लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया उसके बारे में, पर मैं पीछे हटा नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट वर्कशॉप में जो 42 लोग आए थे उनके साथ जो मेरा 1-on-1 एक्सपीरियंस रहा, और वो जो वर्कशॉप से लेके गए बाहर और उन्होंने बाहर जाके जो रिएक्शन दिया, मतलब उनके काम में इम्प्रूवमेंट आया, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि ये काम कर रहा है। और तभी मैंने बोला था कि वर्ल्ड में सारे लोग धीरे धीरे वर्कशॉप करने लग जाएंगे। आज ये 5 साल के बाद मैं देख रहा हूँ एंटायर इंडस्ट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मेट काम करता है और इट इज़ अ क्विक वे टू गेन इम्पॉर्टेंट नॉलेज। बाकी बचता है वो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस थ्रू आपका इम्प्रूवमेंट होता है, बट गेनिंग द नॉलेज इट कैन बी, मतलब वो थोड़ा छोटा स्पैन भी काम आ जाता है। मैं खुद, मेरा काम जब भी लेवल A से लेवल B पर जाना था, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था और मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने मिली, टेक्निक सीखने मिली कि मैं आने के बाद मेरा लेवल ही चेंज हो गया। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं भी महीने लगे मुझे, पर नॉलेज वो एक दिन में सब कैप्चर करके आ गया। और ये जो मुझे समझा मैंने वो इम्प्लीमेंट किया मार्केट में, मैंने देखा आर्टिस्ट का काम इम्प्रूव होते हुए। और अगर ये सिर्फ मैं कर रहा था, फिर आज मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, काफ़ी लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, इससे ओवरऑल इंडिया के अक्रॉस अपना काम डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये अच्छा साइन है। ये बिजनेस एक दूसरे का मारेगा नहीं, ये बिजनेस और प्रोड्यूस करेगा। अगर बिजनेस लैंग्वेज में मुझे बात करना है, जितने ज़्यादा लोग अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा हम अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की छोड़ो, इंडिया में ही वैसे इतना बिजनेस है कि अपने है वो आर्टिस्ट नहीं संभाल सकते, प्रोवाइडेड वो लेवल का काम और क्वालिटी आए। और ये वर्कशॉप फिर से वो एक डायरेक्शन में स्टेप लिया हुआ है। इंडियन टैटू इंडस्ट्री कलर रियलिज्म में स्ट्रगल करता है, बहुत सारा आर्टिस्ट है नहीं जो कलर रियलिज्म करते हैं, और मैंने वो स्टेप लिया कि अपने पूरे इंडस्ट्री में ये ज़रूरत है, ये पुश ज़रूरी है जहाँ हम लोग वो स्टेप ले। तो इंडियन स्किन पे कलर काम इतना अच्छा होता नहीं है, ये मानना है, और जो मैं भी बोलता हूँ कुछ हद तक ये सही है। पर फिर वो क्या बीच में का थिन लाइन है जहाँ हम कलर भी करें, अच्छा भी दिखे, और इंडियन स्किन पे काम हो। अगर इंडियन स्किन पे अगर अच्छा परफॉर्म करता है आर्टिस्ट, तो फिरंगी स्किन में तो ज़बरदस्त काम करेगा। मतलब जिनकी स्किन ब्राइट है, वाइट है, यूरोपियन, चाइनीज़, इनकी अगर स्किन तो उन पे काम करे तो इंडियन आर्टिस्ट पूरा दुनिया हिला देगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है ये बात पे। और हार्डेस्ट स्किन अगर मिल रहा है तो इंडियन स्किन है, जो ब्रिटिश और अपने जो कम्युनिटी के जो गोरे और मिड कलर है, उसमें अगर हम कलर रियलिज्म कर सके तो क्या लिमिटेशन है और कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। इसके ऊपर मैं करीबन 6 महीने से स्टडी कर रहा था कि हम कर क्या सकते हैं, और वो सब स्टडी करके आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस रीसेंट टैटू। जो इन दिनों मैंने टैटू बनाया था, मॉर्गन फ्रीमन जो एक्टर है उनका, वो रियलिज्म किया था। एंड आई हैव, मैंने चूज़ किया हुआ है नॉर्मल स्किन टोन। आई हैव नॉट वर्कड ऑन अ वेरी वाइट स्किन। मैंने नॉर्मल, जो हम बहुत बोलेंगे नहीं कि बहुत गोरा है, और उसको ये भी नहीं बोलेंगे बहुत सावला है, मिड जो कलर होता है वो स्किन लेके मैंने काम किया एज एन एक्सपेरिमेंट। मुझे देखना था कि आउटकम कैसे आता है, क्या होता है। स्टडी चालू किया था, काफ़ी पहले से स्टडी चालू किया था। एंड देन आई एग्जीक्यूटेड दिस रियलिज्म। सारी टेक्निक्स, सारी चीज़ें जो इतना मैंने 6 महीने से मैं नोट्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सारा चीज़ ये वर्कशॉप में मैंने डाला हुआ है कि हाउ कैन एन इंडियन आर्टिस्ट डू अ एक्सेप्शनली गुड रियलिज्म वर्क, कलर रियलिज्म। ये वर्कशॉप डोर्स खोलेगा आर्टिस्टों के लिए, एक नया डायरेक्शन ओपन होएगा, और मेरे लिए ये है कि मेरे विजन के लिए और एक स्टेप आर्टिस्ट को आगे डालेगा। अगर अपने को वर्ल्ड लेवल पे जाना है, अगर अपने को ग्लोबल लेवल पे मार्क बनाना है, इंडियन आर्टिस्ट का रिकग्निशन होना चाहिए। और बोलते हैं ना कि मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री के इसमें जाना है, अगर ये 2 से 5 साल का प्लान अगर हम मिल के सोच सकते हैं, सो ये स्टेप वहाँ लेके जाएगा। कलर रियलिज्म के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे। और मैं तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ये एरिया में कि कैसे और इसको बेटर करें। आज ये मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, ये आगे जाके मैं इसको और इम्प्रूव करने वाला हूँ। आई एम गोना कन्वर्ट इट इनटू अ कोर्स जो और डिटेल्ड रहेगा और ज़बरदस्त डिटेल में जाएगा ये सब चीज़, क्योंकि अपने इंडस्ट्री को ज़रूरत है लेवल अप करने का। और मैं ये गए 5 साल में जो भी मैंने स्टेप्स उठाए टुवर्ड्स टीचिंग टैटू आर्ट, हमेशा ये ध्यान में रखा है कि एज ए कम्युनिटी आर्टिस्ट्स कैसे ग्रो होता है। तो इसमें बात आती ही नहीं है कि शेयर करूंगा तो हमारे बिजनेस का क्या है। बिजनेस तो बहुत बढ़ेगा, बहुत बड़ा है बिजनेस, बिजनेस का टेंशन मत लो। स्किल लेवल बढ़ेगा, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। अपने को इंडियन क्वालिटी अगर आर्ट बढ़ता है, अपने आर्ट का क्वालिटी अगर इम्प्रूव होता है, रिकग्निशन बढ़ता है, हम बिजनेस और खींचेंगे अक्रॉस द ग्लोब, लोग आएंगे इधर। अपना इंडियन का इकोनॉमी में मैटर करेगा टैटू आर्टिस्ट। आज गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती टैटू आर्टिस्टों पे, क्योंकि हम अपना मार्केट बहुत छोटा है, नीश है, उनके लिए छोटा चीज़ है, इसे चाहिए वैसे सपोर्ट नहीं है। आगे जाके जब अपना सब लोग का स्टैंडर्ड लेवल एक ऊपर जाएगा ना, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आएगा अपने को आगे जाके। ये मैं मानता हूँ कि ये होगा, वैसे हर कंट्री में वैसा हुआ है। इकोनॉमी जो अपनी है कंट्री की, वो जब इम्प्रूव होती है और वहाँ हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन है, अपने इंडस्ट्री टैटू इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, इससे बड़ा बात कुछ नहीं रहेगा। एंड दिस इज़ माय विजन फॉर आवर आर्टिस्ट्स। ये मेरा डायरेक्शन है। और जब आप पूछो क्यों वर्कशॉप करता हो, दिस इज़ व्हाई आई डू इट। और ये बेसिकली मेरे को एनर्जी देता है और काम करने का और कुछ नया। सो दैट्स इट, आई वांटेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स डाल सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।